नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लव कंपैटिबिलिटी या जोडियक कंपैटिबिलिटी बिटवीन स्कॉर्पियो एंड लियो। कैसा क्या है स्कॉर्पियो और लियो में जो इनको पास लेके आता है, या क्या चीज़ें हैं जिससे इनके बीच में डिफरेंसेज आ सकते हैं, ये पेयर कैसा रहेगा। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जोडियक कंपैटिबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली मैच मेकिंग हम करते हैं वो एक डीप चीज़ हो जाती है जब आपने रिलेशनशिप में शादी करनी है या शादी में बहुत आगे तक, मतलब रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेके जाना है, तब आप एस्ट्रोलॉजिकली पूरा चेक करवा सकते हैं किसी के बारे में कैसा है हमारा, इसके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मगर ये एक फर्स्ट स्टेप है जोडियक कंपैटिबिलिटी कि यार फर्स्ट स्टेप है क्या हम एक दूसरे के साथ, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी रिश्ते की शुरुआत के लिए पहली सीढ़ी चढ़ना, तो वो पहली सीढ़ी जो होगी वो जोडियक कंपैटिबिलिटी होगी कि यार इसके साथ मेरा मैच कैसा रहेगा। क्यों नहीं, क्यों हम बात कम करते हैं, लड़ते ज़्यादा हैं, या क्यों हम एक दूसरे के साथ जुड़ते ज़्यादा हैं, या क्या वजह है जो हमारे को पास लेके आती है या डिफरेंसेस लेके आती है, क्या हमारे साथ ये ग्रोथ रह पाएगी नहीं पाएगी। तो सिर्फ जोडियक कंपैटिबिलिटी पे हम ये नहीं कह सकते कि पूरा एक आदमी का नेचर बेस होता है, मगर हाँ जोडियक कंपैटिबिलिटी से आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये किस तरह का नेचर या किस तरह का रिश्ता रह सकता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, मैं कुछ पॉइंट्स लूँगा, उन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और उसके बाद बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्कॉर्पियो एंड लियो, ठीक है, ये दोनों ही ऐसे साइन है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, कि स्कॉर्पियो हो गया वॉटरी साइन और लियो हो गया फायरी साइन। तो ये चीज़ आपको समझनी है, जैसे हमारी जो शरीर है और ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये पांच तत्वों से बना है, हम सब जानते हैं। सबसे पहले आता है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, वही चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं। तो उसी तरह से राशियाँ भी बटी हुई हैं, तो ये जो स्कॉर्पियो होगी ये वॉटरी राशि होगी और जो लियो होगी ये हो गई हमारी फायरी राशि। तो ये समझ लीजिए ये हो गया आग और पानी का मिलन। तो अब आग और पानी का मिलन क्या होता है, ये समझ लीजिए कि पानी को, मतलब आग को बुझाने वाला कौन है, पानी। तो ये थोड़ी बहुत जिसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि थोड़ी सी ये गर्मा गर्मी रहेगी इसके अंदर, कि अगर गर्मा गर्मी रहेगी, अब वो गर्मा गर्मी कैसे रहेगी, क्या रहेगा चीज़ें, वो समझते हैं हम, पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं वॉटरी साइन और दूसरा फायरी साइन का। ये वॉटरी साइन है, इमोशनल है, हर चीज़ में इसने इमोशन से सोचना है, इसने छोटी छोटी बातों से घबरा जाना है। स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों से भाप लेते हैं, जैसे कहते हैं ना स्कॉर्पियो बिच्छू हो गया, उसको हल्का सा भी डाउट होता है तो वो भाप लेता है। तो वो कोशिश करेगा हमेशा लियो के अंदर ये देखने की कि यार कुछ गलत तो नहीं है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक अपनी इंटेलिजेंस एक्टिवेट करना। इंटेलिजेंस हम कब एक्टिवेट करते हैं, हम जब भी किसी खतरे में होते हैं तो हम अपनी इंटेलिजेंस एक्टिवेट करते हैं। हम नॉर्मल बैठे होंगे किसी के साथ, मान लीजिए हम अपनी माँ के साथ बैठे हैं या अपने फादर के साथ बैठे हैं, तो हमें इंटेलिजेंस एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सिक्योर महसूस करते हैं। मगर जब हम किसी ऐसे पार्टनर के साथ बैठे हैं जिसको हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, अभी नए मिले हैं या ज़्यादा पुराना रिलेशन नहीं है, तो हमारी एक इंटेलिजेंस एक्टिवेटेड रहती है। आजकल का टाइम भी ऐसा है कि हम लोग अलर्ट रहते हैं कि यार ठीक है नहीं है, तो मन को अभी तसल्ली नहीं होती। तो ये वॉटरी स्कॉर्पियो के अंदर ये रहेगी। इधर लियो की बात करें हम, तो लियो बेफिक्र होके बेखौफ हो जाता, उसको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको डाउट बहुत कम होता है, वो जैसा है वो वैसा ही दिखाएगा, वो अपने आप को जिसे हम कहते हैं ना कि किसी आइडेंटिटी के पीछे छुपाएगा नहीं, कहते हैं ना शेर किसी की खाल के पीछे नहीं छुपता, शेर शेर ही होता। तो वो अपने हिसाब से अपने चलेगा कि अगर वो प्रिंसिपल है तो वो प्रिंसिपल ही है, वो ये नहीं करेगा चलाकी से। जैसे प्रिंसिपल को कभी देखा है आपने क्लास, वो आएगा राउंड पे तो वो पूरे राउंड पे तरीके से आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा चोरी से टीचर्स को देखना, चुपके से देखना, वो सामने से रहेगा। तो स्कॉर्पियो को ये डाउट रहेगा और लियो जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा। तो ये समझ लीजिए कि स्कॉर्पियो को ज़्यादा उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लियो जैसा है वैसा ही है, तो अपने मन को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये पड़ेगी स्कॉर्पियो। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि किस अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट ये होगा कि जो स्कॉर्पियो होगा ये कभी भी ना फ्रंट में नहीं बोल पाएगा, इसकी एक खास बात होती है।
ये फ्रंट में कभी नहीं बोलेगा, ये जब भी अगर किसी से बात करनी है, कोई ब्लेम लगाना है या कुछ भी कहना है, अगर इसको लियो से कोई प्रॉब्लम भी होगी तो ये फ्रंट में नहीं बोलेगा, ये पीछे से बोलेगा। अब पीछे से मतलब किसी और के थ्रू भी बोल सकता है, बहुत रेयर चांस है कि ये सामने से कोई भी अटैक करेगा या सामने से बात करेगा। ये हमेशा से इसकी कोशिश ये होगी कि किसी को ये थ्रू ये कहलवाए। अगर इसको अपने पार्टनर पे कोई दबाव डालना है या कुछ बात मनवानी है तो ये कैसे मनवा सकता है, ये जैसे अपने पेरेंट्स को या सामने वाले पार्टनर के पेरेंट्स को, उसके फ्रेंड्स को, किस जिसकी भी बात इनका पार्टनर लियो वाला सुनता होगा उसके थ्रू ये बात कहलवाएंगे, उसके थ्रू ये दबाव या बात अपनी रखवाएंगे। सामने कहना स्कॉर्पियो वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कत हमेशा रहेगी, तो ब्लेम भी होगा या कुछ भी होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, ये सामने नहीं बोलेगा बल्कि शाय होगा तो घबरा जाएगा, घबरा के जैसे कहते हैं ना भाग जाता है आदमी, तो उस हिसाब से होता है। इधर अगर हम लियो की बात करें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको डरने की जरूरत नहीं, उसने जो कहना है सामने कह देना है कि भैया हाँ मेरा अगर अफेयर भी चल रहा है तो मेरा कहीं चल रहा है, मेरे साथ ये है तो ये है, ये आपने मानना है मानो, नहीं मानना भैया मैं सामने से ही कह रहा हूँ। मैक्सिमम चांसेस है कि लियो सामने से ही करेगा जो करेगा, एक पीछे से एक सामने से, तो ये एक पॉइंट्स आगे दो इनके। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि स्कॉर्पियो जो होगा वो अपना काम खुद करने की कोशिश करेगा कि भैया मेरा काम है मैं जाके कर देता हूँ, ये काम है, कोशिश करेगा वो दूसरों पे कम डालने का। इधर लियो जो होगा वो अपना काम, उसको ऑर्डर करने की आदत है। लियो वाले के पास अगर आप ही इकलौते बंदे बचे हैं तो समझ लीजिए आप इसे काम कराया जाएगा। अगर उसके पास चार आदमी है तो वो चारों से अलग अलग तरीके से काम करवाएगा, एक से ये काम करवाएगा, एक से वो करवाएगा, तो ऑर्डर और कमांड देने की आदत होती है। तो अगर आप अकेले ही उसके पास बचे हुए हैं, घर में और कोई नहीं है, तो आप ये तो समझ लीजिए कि एंड में आप ही को काम करना पड़ेगा, क्योंकि लियो वाला काम कम करेगा करवाएगा ज़्यादा। तो ये भी पॉइंट आपको दिमाग में अपने रखना है, लियो वाले के साथ दोस्ती करते हैं तो। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये जो स्कॉर्पियो होता है, स्कॉर्पियो एक अच्छा फॉलोवर होता है, ये बात भी अच्छी मानने वाला होता है, अगर इसको किसी पे विश्वास हो जाए तो उसको अच्छा फॉलो करता है, काम स्लो करेगा, आराम से करेगा, हल्का सा भी इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये भाग जाएगा। रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में इस पर दबाव डालोगे ये भाग जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसको अगर हल्का सा भी लड़ता है ये, मगर इसका लड़ने का तरीका अलग है। इस पर आपने दबाव डाला, प्रेशर डाला, स्लो अपने हिसाब से काम करेगा, इसको कोई जल्दी नहीं है। इस पर आपने दबाव डाला तो ये भाग जाएगा। अब कहते हैं कॉन्फ्रंट करना, तो कॉन्फ्रंट नहीं करेगा, ये भाग जाएगा। इधर जो लियो वाला होता है ये भागेगा नहीं, ये भागेगा भी नहीं और ये कॉन्फ्रंट करके बात करेगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि अगर आप लियो हैं, मान लीजिए आप लियो मेल हैं, तो आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देना होगा, आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो सामने से बात नहीं कर सकता, उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने से बात नहीं कर सकता। आपको अपने फायरी एलिमेंट को थोड़ा सा कम करके उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखिए मैं कोई ऐसे उपाय नहीं बताता हूँ जिससे कि आपके अंदर कोई चेंजेस आ जाएंगे, मैं नेचुरल और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो नेचुरल और प्रैक्टिकल बात ये है कि आपको एक्चुअल में अगर आपका रिलेशनशिप बना हुआ है और आपकी शादी भी हो चुकी है, अब अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर स्कॉर्पियो है तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम टाइम स्पेंड करके ही बीतेगी। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, अगर आप उससे उसके साइन उसके इमोशंस को समझेंगे ही नहीं, झगड़े और ये क्रिएट होंगे। और इधर अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि लियो वाला कैसे है, उसने हर काम स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, उसे डरना नहीं है। वो चार बंदों के बीच में भी आपको अगर बोलना होगा तो वो बोल देगा, वो डरेगा नहीं। तो अगर लियो फीमेल है तो भी आपको समझना, लियो मेल है तो फिर वो तो मेल तो आपको पता ही सामने से बोल देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे इन लोगों के थोड़े बहुत मतभेद रह सकते हैं, थोड़ी बहुत समझने की ज़रूरत है। पेयर्स तो हमेशा ऐसे ही बनेंगे, भगवान के बनाए हुए पेयर्स ऐसे ही होते हैं। तो जितना जल्दी उनको समझ के उनके साथ आप डील करना सीख जाएंगे, आप ही फायदे में रहेंगे, कोई और तो नहीं रहेगा। कोई गलत शब्द बोला तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ है।